पंडित जी, हम अपनी बेटी के विवाह के सिलसिले में आए हैं। उसकी कुंडली देखकर बताइए कोई अच्छा वर हो तो। कुंवारी कन्या घर में अच्छी थोड़ी ही लगती है। लड़के तो बहुत है, परंतु आपको बता दूं कि आपकी कन्या मांगलिक। मांगलिक? हे भगवान, ये क्या हो गया? मांगलिक है, मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच गई है। बैठ जाए, उपाय है। क्या उपाय है? पेड़ से विवाह। पेड़ से विवाह? उसका विवाह पहले पेड़ से करवाना होगा, तभी किसी और लड़के से उसका विवाह सफल हो पाएगा। बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, आप लोग तो ऐसे चिंता कर रहे हैं कि जैसे अगर आपकी बेटी शादी नहीं करेगी तो मर ही जाएगी। और वैसे भी इन छोटे छोटे शहरों में मेरी जैसी लड़कियों के लिए लड़के हैं नहीं कहाँ। पर तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, और वो भी पेड़ से। क्या पापा, पेड़ से शादी करनी होगी? क्या राधा की शादी पेड़ से? Oh no! Oh, वो राधा, तुम इतनी सुंदर और तुम्हारी शादी पेड़ से? मेरे होते में तुझे कैसे पसंद कर लेगी?
कैसा रहेगा? नहीं नहीं राधा, ये पेड़ तो बहुत लंबा है, ये वाला कैसा रहेगा? नहीं नहीं, इसके तो सारे पत्ते ही झड़े हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये वाला कैसा रहेगा? अरे तेरे को पता है अकबर ने अनारकली को दीवार में क्यों चुनवा दिया था? क्यों? क्योंकि लड़कियों का चुनने का बहुत शौक होता है। क्या बात है राधा, पेड़ों के मामले में तुम्हारी पसंद को तो मानना ही पड़ेगा। हमारा प्यारा छोटू पेड़ इंसानों के चक्कर में फंस गया बेचारा। लो हो गई शादी, अब मैं चलती हूँ। पति चाहे जिस भी रूप में मिले, ये पत्नियाँ रखती उन्हें बांध के हैं। ये कौन बोला? मैं। है? पेड़ तुम बोल भी सकते हो? अरे नया नया पेड़ से पति बना हूँ, एक आधा महीना तो बोलने दो। मैं मांग रही हूँ, मतलब कुंडली में थोड़ा दोष है, इसीलिए तुमसे शादी की। वारे इंसान, कुंडली का दोष पेड़ मिटाए, गाड़ी का धुआं पेड़ मिटाए, फिर भी इंसान पेड़ को ही मिटा रहा है। ओ हेलो, मैं जीते जी किसी पेड़ के साथ तो नहीं रह सकती, नहीं कभी नहीं, कभी भी नहीं। सुनो, पहले तो अपनी गंदी सी एक्टिंग बंद करो और इतना मर जाओ। क्या? और मर के मेरे ऊपर जुड़े बन के रह लेना। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे पैदा होंगे या होंगे। वेरी फनी, तुम्हारी बातें सुन के तो मैं बोर ही हो गई। तो हम पत्ते खेलते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मेरे पास बहुत पत्ते हैं। कैसा नल्ला एक पेड़ है ये। ओ हेलो, दीपिका जैसी हीरोइन हमारे पीछे पीछे डांस करती है। अरे वो तो जिन हीरोइनों को डांस नहीं आता ना, वो पेड़ के पीछे छुप छुप के डांस करती हैं। ओ मतलब एक्टिंग तुम्हें भी पेड़ के पीछे छुप के करनी चाहिए। ओ महंगी का और हमारा श्रृंगार अफोर्ड करना आसान नहीं है। तो इतने श्रृंगार में बारिश की चार बूंदे पड़ने पे जो भंगार निकल के आता है उसका क्या? अब ज्यादा जुबान चलाई ना तो काट के रख लूंगी। और कितना काटोगी? सारे जंगल को तो काका काट दिया है। जंगल काट के मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हो तुम इंसान। जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है। तुम लोग एक दूसरे को पालतू में आई लव यू बोलते रहते हो। बोलना है तो पेड़ को बोलो आई लव यू ओ टू, ताकि तुम्हारा आने वाला छोटू शुद्ध ओ टू ले पाए। शाबाश नालायक, ये कौन बोला? तुम्हारी सासू माँ। जाओ पैर पढ़ो और सुनो अच्छे से करना पल्लो डाल के।